रूस और अमेरिका के बीच का घमासान अब और बढ़ चुका है, क्योंकि अमेरिका ने अब यूक्रेन को एक ऐसा हथियार देने का फैसला किया है जिससे पूरी दुनिया में बवाल मच सकता है। इसे क्लस्टर बम कहते हैं और ये बेहद खतरनाक होते हैं। ये एक बड़े इलाके में छोटे छोटे सैकड़ों हजारों बम फैला देने वाले हथियार होते हैं। ये हथियार इतने भयानक होते हैं कि दुनिया भर में 100 से ज्यादा देशों ने इन पर प्रतिबंध लगा रखा। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने घोषणा करते हुए कहा है कि अमेरिका सैन्य सहायता पैकेज के तौर पर यूक्रेन को क्लस्टर हथियार भेजेगा। हम संघर्ष की इस परिस्थिति पर यूक्रेन को असहाय नहीं छोड़ेंगे। हालांकि क्लस्टर हथियारों पर 100 देशों ने प्रतिबंध लगाया है। वहीं ये खबर है कि इस हथियार को देने के लिए बाइडेन सरकार ने महीनों तक बहस की कि क्या अमेरिका को इन प्रतिबंधित हथियार को यूक्रेन को प्रदान करना चाहिए या फिर नहीं। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने कहा कि मैं नहीं कह रहा कि यह आसान है, यह एक कठिन निर्णय है। हमने कई पक्षों पर चर्चा की, इसके बाद इस रणनीति पर आगे बढ़े। रूस शुरू से ही यूक्रेन पर क्लस्टर हथियारों से हमला कर रहा है। यूक्रेन अपनी रक्षा के लिए क्लस्टर हथियारों के लिए अनुरोध कर रहा। हम यूक्रेन को कम दामों में हथियार उपलब्ध कराएंगे। यूक्रेन इसका इस्तेमाल सिर्फ देश और नागरिकों की रक्षा के लिए करेगा। वहीं बाइडेन ने भी क्लस्टर हथियार पर अपनी बात रखी। विदेशी मीडिया के मुताबिक राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि मेरी ओर से ये काफी कठिन फैसला था। मैंने अपने साथियों के साथ इस पर काफी चर्चा की। मैंने दोस्तों के साथ भी इस विषय पर चर्चा की। यूक्रेन के पास गोला बारूद खत्म हो रहा है। ये युद्ध सामग्री से संबंधित युद्ध है, इसलिए मुझे लगता है कि यूक्रेन को इसकी जरूरत है। अमेरिका और यूक्रेन ने क्लस्टर युद्ध सामग्री पर कन्वेंशन की पुष्टि अभी तक नहीं की है। क्लस्टर हथियारों को यूके, फ्रांस और जर्मनी सहित 100 से अधिक देशों ने गैर कानूनी घोषित किया हुआ है, क्योंकि ये ऐसे हथियार हैं जिनमें एक साथ कई बम होते हैं। ये बम रॉकेट, मिसाइल या तोपों से दागे जाते हैं। जब इन बमों को दागा जाता है तब ये बीच रस्ते में फटकर बहुत बड़े इलाके को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे टारगेट के आसपास वाले इलाकों में भी भारी तबाही मचती है। क्लस्टर बम को हवा और जमीन दोनों जगहों से दागा जा सकता है। बमों को जमीन से टकराते ही विस्फोट करने के लिए बनाया गया है। क्लस्टर बम लंबे समय तक नागरिकों के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करते हैं, क्योंकि कुछ बम विस्फोट करने में विफल हो जाते हैं। भले ही क्लस्टर बमों का इस्तेमाल प्रतिबंधित है, लेकिन अमेरिका, इराक, उत्तर कोरिया, इसराइल समेत दुनिया के कई देशों पर इनके प्रयोग करने का आरोप लगता रहा है। हालांकि ये आरोप इसलिए भी सच साबित हो रहा क्योंकि अब ये बम अमेरिका रूस के खिलाफ यूक्रेन को देने जा रहा है। आपका इस पर क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।